हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद की चांद रात से। आई नो कि व्लॉग डालने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट फिर भी मेहनत की है तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी ईद की रूटीन भी शेयर करती हूँ। बहुत ही बिज़ी गुजरी थी ईद हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। तो खैर जी, से तो सफाइयाँ वगैरह तो सब कुछ मैं कर चुकी थी, बस ये था कि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो मैंने फिर अफ्तारी के बाद कर ली थी, समझ लें चांद रात को। बाकी तो सारे काम मेरे हो चुके थे। उसके बाद फिर अब चाय की शदीद तलब हो रही थी, और आपको तो पता है कि रमज़ान में तो फिर अफ्तारी के बाद तो बहुत ही सुस्ती हो जाती है। तो बस फिर चाय पी हम दोनों ने, और उसके बाद फिर ज़्यादा तो कुछ ख़ास नहीं करना था तो मैंने फिर मेहंदी लगाई ख़ुद को। वैसे तो हर साल ये होता था कि कराची में होते थे तो फिर लगवा लेते थे, लेकिन ये है कि यहाँ पे तो ऐसा कोई था भी नहीं कि जिससे मैं मेहंदी लगवाती। तो बस टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी जैसी मुझे आई वैसी मैंने फिर ख़ुद को ही लगा ली, अपनी मेहनत आपकी। तो बस फिर ये मेरी मेहंदी लग चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो खैर जी, ये हो चुकी मेरी मेहंदी, जिस तरीके से मैं लगा सकती थी ख़ुद को वैसे मैंने लगा ली, और बाकी जो है और साइडों से जो है सिंपल सी बेल फिर मैंने हस्बैंड की जो भतीजी थी मैंने उनसे बनवा ली थी। इंशाल्लाह आगे की वीडियो वो भी देख लेंगे। तो खैर जी, फिर उसके बाद जो है ये क्लिप है सुबह का, सुबह सुबह जो है ईद की सुबह का। तो हस्बैंड जो है उनकी यही हमेशा से रूटीन रही है कि वो सुबह सुबह परिंदों को रोटी डालते हैं। तो ये क्लिप जो है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो रोटी डालते हैं और परिंदे इतना शोर मचाते हुए, और इतने ढेरों ढेर परिंदे आते हैं। तो खैर, फिर उसके बाद जो है हस्बैंड तैयार हुए थे, चले गए थे ईद की नमाज़ के लिए, फिर मैं भी तैयार हुई थी, फिर हस्बैंड आए थे, फिर सबसे मिले, ईदी भी ली और फिर कुछ देर गपशप भी की। तो ये लेफ़्ट ओवर राइस थे वो फिर हस्बैंड को गर्म करके दिए थे, और साथ में फिर कस्टर्ड था जो मैंने बनाया था। और उसके बाद फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी हमने एक दूसरे के साथ, फिर घर वालों से बात भी की थी। तो फिर काफ़ी टाइम इन सब में लग गया था। उसके बाद फिर कुछ देर हमने आराम किया था, सो गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत देर रात हम जागते रहे थे। तो खैर, फिर उसके बाद हम सो गए थे, और सो के उठे, और उसके बाद फिर यह है कि खाने की तैयारी करनी थी। तो आज मैंने सोचा कि कुछ समथिंग स्पेशल किया जाए। पूरा रमज़ान जो है ऐसा कुछ नहीं खाया पिया था, तो दिल चाह रहा था, तो मैंने फिर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये इसी वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर की थी, ये होममेड चीज़ थी जो मैंने घर पर ही बनाई थी, तो इसको अब मैं जो है ग्रेट कर रही थी। खैर, उसके बाद फिर मैंने जो है ये मैं बना रही थी वाइट सॉस। मैं अक्सर पिज़्ज़ा बनाती हूँ वाइट सॉस के साथ, तो बड़ा यम्मी और टेस्टी बनता है। किसी दिन आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाला था, और उसमें फिर 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डाला उतना ही फिर मैंने इसमें मैदा डाल दिया था, और उसको फिर अच्छे तरीके से कुक करके ताकि कच्चापन मैदे का ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था। दूध ऐड करके उसको मैंने कुछ देर के लिए फिर थोड़ा और पकाया था, और उसमें फिर नमक और लाल मिर्चें और थोड़ा सा जो है काली मिर्च पाउडर वो मैंने डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी। ये मेरा वाइट सॉस रेडी हो गया था। तो इसके साथ मैं अक्सर पिज़्ज़ा बनाती रहती थी पहले भी, तो बड़ा टेस्टी बनता है। किसी दिन आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर, ये मेरा वाइट सॉस रेडी हो चुका। उसके बाद फिर मैंने चिकन, मेरे पास ये है कि फ्रिज में मैं बोनलेस चिकन जो होता है उसको मैरिनेट करके फिर मैं रख देती हूँ। तो ये है कि कभी भी मुझे नीड होती है तो फिर मैं पराठा रोल बना देती हूँ, कभी पिज़्ज़ा, कभी मैक्रोनीस, कभी सैंडविच। और मैरिनेट किया हुआ चिकन इस तरह होता है कि उसमें मैं जो है दही डाल देती हूँ, 1 टेबल स्पून में मक्खन डाल देती हूँ, और चिकन तंदूरी मसाला जो होता है शान का वो डाल देती हूँ, और टिक्का मसाला, इन दोनों को मिक्स करके फिर मैं वो हमेशा रख देती हूँ। और जब भी चिकन आता है तो उसको मैं फिर बोनलेस चिकन अलग करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ काट के, और मैं इसको इस तरीके से मैरिनेट करके हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ कि जब भी मुझे चाहिए होता है मैं फ़ौरन से निकाल के फिर रेडी कर देती हूँ। तो खैर, ये मेरे पिज़्ज़े की टॉपिंग हो चुकी, मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये थोड़ा बहुत जो था वो मैंने आपके लिए शूट किया। तो खैर, ये मेरा पिज़्ज़ा अब बेक होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसको 15 से 20 मिनट
के लिए मैं बेक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, ये मेरा पिज़्ज़ा हो चुका है बेक और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था। हाँ, और इसमें मैं जो है वेट नहीं कर सकती थी कि मुझे सारी चीज़ें मिलें तो फिर मैं पिज़्ज़ा बनाऊं, तो बस मैंने और कुछ नहीं किया, बस चीज़ और चिकन डाला है और इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली, ना शिमला मिर्च, ना ऑलिव्स, ना ओरिगानो, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल ना थी ना मैंने डाली, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना था और हमने बहुत इंजॉय किया। सो खैर जी, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।